हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो डिसऑर्डर्स ऑफ आई रीड वाला चैप्टर है उसके अंदर से समझने वाले हैं स्क्वामस ब्लेफरिटिस के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ब्लेफरिटिस का मतलब क्या होता है, तो वो देखते हैं हम कि ब्लेफरिटिस मतलब कि क्या। तो कि इट इज़ अ इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ आई लीड मार्जिन। तो आई रीड क्या होती है, हमारा जो आई बॉल है, आई बॉल उसके ऊपर का जो कवर होता है, कवर ऑफ आई, वो ही होता है आई रीड। तो आई रीड का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन, ठीक है। ब्लेफरिटिस मतलब कि जो आई लीड है हमारी उसका इन्फेक्शन लग जाना। तो ये जो ब्लेफरिटिस है वो टू टाइप के हो सकते हैं, एंटीरियर भी हो सकता है, एंटीरियर ब्लेफरिटिस एंड पोस्टीरियर ब्लेफरिटिस, ठीक है। तो एंटीरियर ब्लेफरिटिस के अंदर क्या होता है, तो कि इट इज़ अ इन्फ्लामेशन एट बेस ऑफ आई लैश। अब क्या होता है कि जो हमारी आई लीड है उसके ऊपर आई लैशेस हो गए ना, तो वो जो आई लैशेस है ना उसके बेस के ऊपर इन्फ्लामेशन होगा, तो वो आता है एंटीरियर ब्लेफरिटिस के अंदर, ठीक है। अब ये अगर हमारी आई लीड है जो आई का कवरिंग है वो, तो उसके ऊपर ये आई लैशेस होती है ना, तो वो जो आई लैश होगी ना उसका बेस जो होगा ना वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, तो उसको बोलते हैं एंटीरियर ब्लेफरिटिस, ठीक है। फिर क्या होता है कि एंटीरियर ब्लेफरिटिस भी फर्दर टू टाइप की हो सकती है। एक तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लग सकता है, इन्फेक्शन होने के लिए बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगने की वजह से इन्फेक्शन होता है। तो कौन से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगेगा, तो कि स्टेफाइलोकोकल जो बैक्टीरिया होगा उसका इन्फेक्शन लगेगा इस जगह पर। तो एक तो हो गया ये बैक्टीरिया वाला पार्ट, और दूसरा है कि सीबोरिक वेरिएंट। इसके अंदर क्या होता है कि अगर किसी के स्काल्प के अंदर डेंड्रफ है, तो वो डेंड्रफ हो गए ना, वो गिर के अगर उसकी आई लैश वाले एरिया में आ गए तो वहाँ पे जाके वो इन्फ्लामेशन करेंगे। तो एंटीरियर ब्लेफरिटिस के टू टाइप्स है, स्टेफाइलोकोकल वाला मतलब कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन लगता है वो, एंड सीबोरिक मतलब कि यह सीबोरिक वेरिएंट जो है ना जो डेंड्रफ की वजह से होता है वही है हमारा स्क्वामस ब्लेफरिटिस, ठीक है। ये जो स्क्वामस ब्लेफरिटिस की हम बात कर रहे हैं ना वही है ये। तो सबसे पहले हमें क्या जानना था, तो कि ब्लेफरिटिस क्या होता है। ब्लेफरिटिस के टू टाइप, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंड एंटीरियर में भी टू फर्दर टाइप्स है। एक तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो स्टेफाइलोकोकल है वो, एंड दूसरा सीबोरिक वेरियंट जो या डेंड्रफ वाला है वो है हमारा स्क्वामस ब्लेफरिटिस। तो इस वीडियो के अंदर हम इस डिसीज की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। तो इटियोलॉजी में क्या है, तो कि हमने यहाँ पे देखा ना कि स्काल्प के अंदर डेंड्रफ है तो ये हो सकता है। तो किसी के स्काल्प के अंदर डेंड्रफ है, ठीक है, डेंड्रफ है, तो वो डेंड्रफ है वो स्काल्प से गिरकर आई लैश वाले एरिया के जगह पे वहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। फिर वहाँ पे जाके क्या करेंगे, तो कि जो हमारी ग्लैंड ऑफ ज़ेइस होगी ना, ग्लैंड ऑफ सेस, उसको अफेक्ट करेंगे, एंड उसको अफेक्ट करेंगे ना, इसकी वजह से क्या होगा, तो कि एबनॉर्मल एक्सेसिव डिस्चार्ज निकलेगा उसमें से, जो लिपिड का डिस्चार्ज होगा, लिपिड जैसे सब्सटेंस का डिस्चार्ज, वो थोड़ा थोड़ा तो नॉर्मली होता है, बट इसके अंदर क्या होगा, तो कि एबनॉर्मल बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा उसके अंदर से, ठीक है। फिर वो ये जो क्या अभी तक हमने क्या देखा, तो कि जो डेंड्रफ है वो आई लैश वाले एरिया में जाके ग्लैंड ऑफ सेस को अफेक्ट करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, तो कि लिपिड का एक्सेसिव डिस्चार्ज होगा, ठीक है, इस ग्लैंड के अंदर से। फिर ये जो लिपिड का डिस्चार्ज निकला है उसके अंदर क्या होगा, तो कि कोराइनी बैक्टीरियम एक्ने, ये जो बैक्टीरिया है ना वो क्या करेंगे, तो कि इस लिपिड को स्प्लिट करेंगे, ये जो बैक्टीरिया है वो इस लिपिड को स्प्लिट करके इस लिपिड को फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इडियोलॉजी में क्या होता है कि जो डेंड्रफ है वो आईलैश के बेस में जाके ज़ेइस ऑफ ग्लैंड ऑफ ज़ेइस जो है उसको असर करता है, उसमें से एबनॉर्मल एक्सेसिव लिपिड वाला डिस्चार्ज निकलता है। फिर ये जो कोराइनी बैक्टीरियम एक्ने वाले बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, तो कि इस लिपिड को स्प्लिट करके इस लिपिड को फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये हो गई इसकी इडियोलॉजी की बात, ठीक है। अब हमें देखना है कि सिम्टम्स एंड साइन क्या हो गए। तो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं
सिम्टम्स के बारे में। तो वो जो पेशेंट होगा वो हमारे पास आके क्या बोलेगा, तो कि सबसे पहले तो उसको अपनी आई की जो आईलैश होगी ना उस वाले एरिया में कुछ वाइट कलर का मटेरियल प्रेजेंट हो ना वो देखेगा। तो वो आके हमें ये बोलेगा कि देखिए ना मेरी जो आईलैशेस है उसके यहाँ पे मेरी आई में कुछ वाइट वाइट कलर का प्रेजेंट है। तो क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ वाइटिश मटेरियल। और ये वाइटिश मटेरियल का डिपोजिशन कहाँ पे होगा, तो कि एट द लीड मार्जिन। ठीक है, लीड की जो मार्जिन होगी वहां पे ये व्हाइट कलर का मटेरियल डिपॉजिट होगा। फिर क्या हो सकता है कि उसको डिसकंफर्ट वाली फीलिंग आएगी, अच्छा नहीं लगेगा ना अगर आई में ऐसा हो तो, थोड़ा सा इरिटेशन करेगा वो, डिसकंफर्ट इरिटेशन। फिर कभी कभी ना उसकी आई में से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा हो ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ओकेशनली आई में से वॉटरिंग भी हो सकता है। ठीक है, उसकी आई में से पानी निकल रहा हो ऐसा भी हो सकता है। फिर क्या होगा, तो कि हम उसको पूछेंगे कि भाई तुम्हारी जो आई लैशेस है वो गिर रही है, तो वो बोलेगा कि हाँ जनरली एक आध दो तो कभी कभी नॉर्मल पर्सन में भी गिरती है आई लैश, बट इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा ही गिर रही होगी। तो फॉलिंग ऑफ आईलैश। ठीक है, तो ये हो गई सिम्टम्स की बात। अब हम देखते हैं कि हम उसकी आई का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो हम देखने वाले हैं अब साइंस के बारे में। तो सिम्टम्स के अंदर हमने देखा ना कि वो आके हमें ये बताएगा कि भाई वाइट कलर का डिपॉजिट, वाइट कलर का कुछ मेरी आई में हो ऐसा लग रहा है। तो हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें वही दिखेगा। तो सबसे पहले हमें क्या दिखेगा, तो कि जो वाइट डेंड्रफ लाइक सब्सटेंस होगा उसका एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, वाइट डेंड्रफ लाइक सब्सटेंस होगा उसका एक्यूमुलेशन लीड मार्जिन के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। फिर ठीक है, फिर क्या होगा कि हम जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस होगा ना उसको हम रिमूव करने की ट्राई करेंगे, तो रिमूव करने के बाद उसके नीचे अल्सर जैसी कुछ कंडीशन देखने को मिल रही है या नहीं वो हम देखेंगे। तो उसके अंदर नीचे अल्सर नहीं होंगे। ये जो वाइट डिपॉजिट होगा उसको हम निकालेंगे तो उसके नीचे अल्सर नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है कि अगर हम उसकी आई लैशेस को थोड़ा सा भी पुल करेंगे ना तो इजीली उसकी आई लैशेस गिर जाएगी। तो लैशेस फॉल आउट इजीली। ठीक है, इजीली जो उसके आई लैश है वो हम निकाल सकते हैं, बट ऐसा करना नहीं है, बट जस्ट ऐसा हो सकता है। फिर क्या है कि जो उसकी आई लैशेस गिर जाएगी, तो जनरली सबको अपनी आई लैशेस तो बहुत पसंद ही होती है, तो आई लैशेस गिर जाएगी तो क्या होगा, बट जो आई लैशेस गिरेगी ना उसकी जगह पे नई आई लैशेस जल्दी से जल्दी रैपिडली नई आई लैशेस आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या है कि उसकी जो लीड मार्जिन होगी ना, लीड मार्जिन वो थोड़ी सी थिक हो गई होगी। ठीक है, उसकी लीड मार्जिन ठीक हो गई होगी। फिर क्या है कि कभी कभी हमें एपिफोरा भी देखने को मिल सकता है। फिर क्या है कि अगर बैक्टीरियल ब्लिफराइटिस हुआ ना, यहाँ पे हमने देखा कि भाई एंटीरियर ये जो है स्क्वामस ब्लिफराइटिस वो एंटीरियर ब्लिफराइटिस ही है, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ होगा ना साथ साथ में, तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साइंस भी देखने को मिलेंगे, मतलब कि वहाँ पे पस बना होगा ऐसा कुछ भी देखने को मिलेगा। तो साइन ऑफ बैक्टीरियल ब्लिफराइटिस भी देखने को मिल सकता है, जैसे कि पस प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर किसी पर्सन के अंदर एंटीरियर ब्लिफराइटिस के अंदर दोनों है कि भाई डेंड्रफ की वजह से भी हुआ है एंड बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी लगा हुआ है, तो इस केस के अंदर हमें इसके भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए साइन की बात।
फिर हमें देखना है कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी हो सकती है। तो कॉम्प्लिकेशंस जो बैक्टीरियल ब्लेफरिटिस के अंदर होगी ना, वही सब होगी। क्या होगी? तो कि जो आई लैशेस का इन्फेक्शन हो रहा है, तो लैश एबनॉर्मलिटी होगी, ठीक है। आई लैशेस है, उसकी एबनॉर्मलिटी में क्या देखने को मिल सकता है? तो कि मिसडायरेक्टेड सिग्लिया, यानी कि ट्रिचियासिस या ट्रिकियासिस भी देखने को मिल सकता है। फिर क्या होगा? तो कि जो लीड मार्जिन होगी वो ठीक हो जाएगी। फिर क्या होगा? तो कि एक्ट्रोपाइन भी हो सकता है, रिकरेंट स्टाई भी हो सकती है, ठीक है, ड्राई आई भी हो सकती है, सेकेंडरी इन्फ्लामेशन भी लग सकता है किसी और बैक्टीरिया का, ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। अब क्या है कि इस कंडीशन को हमें ट्रीट कैसे करना है? तो अब हम देखने वाले हैं ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट के अंदर हमें तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। सबसे पहला है जनरल मेजर्स, जनरल मेजर्स। उसके बाद सेकेंड नंबर पे है लोकल मेजर्स, उसके बाद थर्ड नंबर पे है एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो जनरल मेजर्स में हमें क्या क्या ध्यान रखना है? तो कि हमें उस पर्सन को समझाना है कि भाई अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने स्काल्प के अंदर जो डेंड्रफ है उसको ठीक करने की ट्राई करो, उसके लिए जो ट्रीटमेंट होती है वो करो। फिर क्या कहना है उसको? तो कि बैलेंस डाइट खाओ, फिर जो अपने स्काल्प में जो डैंड्रफ है उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसी सब कुछ एडवाइस देनी है हमें जनरल मेजर्स के अंदर। फिर उसके बाद लोकल मेजर्स के अंदर क्या है? तो कि जो वो ख़राब हो गया होगा ना, वो जो वाइट कलर का डिपोजिशंस प्रेजेंट होगा उसको हमें रिमूव करना है, ठीक है। अब उसको रिमूव कैसे करेंगे हम? तो कि उसके लिए हम 3% सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट होगा ना उसका थोड़ा सा गर्म सॉल्यूशन होगा, उसको भी वहाँ पे थोड़ा सा लगा सकते हैं। और फिर बेबी ये नहीं हो हमारे पास तो बेबी शैम्पू को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो उसके ऊपर पहले लगाना है, जो वाइट कलर का डिपोजिशन हो गया होगा उसके ऊपर ये लगाना है सॉल्यूशन, फिर उसको रिमूव करना है। फिर क्या है कि हम लीड मार्जिन के ऊपर एंटीबायोटिक एंड स्टीरोइड का कॉम्बिनेशन भी थोड़ी थोड़ी देर पे अप्लाई करने को दे सकते हैं, ऑइंटमेंट देना है, ठीक है। तो ये हो गया लोकल मेजर्स। एंड फिर क्या है कि अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी हुआ, बैक्टीरियल ब्लेफरिटिस भी हुआ, इसके साथ साथ में जो बैक्टीरियल ब्लेफरिटिस है वो भी हुआ, तो हमें क्या करना है? तो कि मिक्स्ड ब्लेफरिटिस होगा तो उसके अंदर बैक्टीरियल ब्लेफरिटिस भी होगा ना, तो उसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स ओरली देनी है, ठीक है। जनरल मेजर्स में हमें उसको एडवाइस देनी है कि बैलेंस डाइट लो, अपने स्काल्प के अंदर जो डेंड्रफ है उसको, उसका कुछ ट्रीटमेंट करो। फिर लोकल मेजर्स में हमें जो वाइट वाइट कलर के डिपोजिशंस हो गए उसको निकालना है, उसको निकालने के लिए हमें कौन सा सॉल्यूशन वहाँ पे अप्लाई करना है वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि भाई एंटीबायोटिक एंड स्टीरोइड का ऑइंटमेंट भी देना है वहाँ पे लगाने के लिए। एंड अगर एंटीरियर ब्लेफरिटिस के अंदर सिर्फ सिबोरिक यानी कि स्क्वामस ब्लेफरिटिस नहीं है, बट स्टेफिलोकोकल यानी कि बैक्टीरियल वाला भी मिक्स में है, तो हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ सकती है ओरली, ठीक है। तो ये हमने देख लिया है स्क्वामस ब्लेफरिटिस के बारे में। आई होप आपको इसके बारे में आइडिया आ गया है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।